बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ माइकोबैक्टीरिया। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 8 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था, तो इस वीडियो के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है फॉर स्क्रीनिंग पर्पज? तो उस टेस्ट का नाम है टूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जिसका प्रिंसिपल टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी है। अगर 15 मिलीमीटर की आएगी तो फिर नो रिस्क फैक्टर, अगर 10 मिलीमीटर की ड्यूरेशन है तो हाई रिस्क फैक्टर होता है, अगर 5 मिलीमीटर की ड्यूरेशन आती है तो इसका मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस हो चुकी है। तो ये टेस्ट का नाम है टूबरक्लिन स्किन टेस्ट या पीपीडी टेस्ट होता है। डिस्कस द प्रोसीजर इंटरप्रिटेशन एंड अंडरलाइंग पैथोजेनेसिस एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये पूरा पैराग्राफ बनाया गया क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? तो टीबी होगा। द पेशेंट इज मोस्ट लाइकली आइसोलेटेड फ्रॉम, यानी ऑर्गेनिज्म कौन सा आइसोलेट किया गया होगा पेशेंट से? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। व्हाई सर्टेन माइकोबैक्टीरिया कॉल्ड एटिपिकल? उनकी क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या होती है? तो माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरक्लोसिस को एटिपिकल बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से डिफर करती है। इनके जो क्लासिफिकेशन होती है वो रूनियन क्लासिफिकेशन होती है। इसका बेस होता है रेट ऑफ ग्रोथ और प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट। कुछ ऐसे पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो फ्लोरेसेंस शो करते हैं लाइट के अंदर, तो उसको फोटोक्रोमेचर कहते हैं, और कुछ पिगमेंट फ्लोरेसेंस शो करते हैं डार्क के अंदर, तो उसको स्कोटोक्रोमेचर कहते हैं। जिस तरह आपने पढ़ा था स्कोटोपिक विजन है, फोटोपिक विजन है। और इसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जिनका पास कोई पिगमेंट नहीं होता, चाहे लाइट है चाहे डार्क है, कोई पिगमेंट शो नहीं करते, तो उनको नॉन क्रोमेजन बोलते हैं। नॉन क्रोमेजन के अंदर मैक आता है, जबकि डार्क के अंदर स्कोटो से स्क्रोफिलियोसम आता है, ठीक है। जबकि रैपिड वाले के अंदर, जिसकी रैपिड होती है ग्रोथ और कोई पिगमेंट नहीं होता, तो उसमें माइकोबैक्टीरियम फॉर्शियम चिलोनी कॉम्प्लेक्स आता है, माइकोबैक्टीरियम एब्सेसस है और सेगमेंटस है। जबकि शुरू वाले में फोटोक्रोमेजन में साई और मैरिनम है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो पूरा सिनेरियो बताया हुआ टीबी का। व्हाट इज द टेक्निक एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्किन टेस्ट? तो टेक्निक कौन सी होती है? ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है या प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट होती है, ओके। और कभी कभार एग्जाम में पूछ लेती है कि एमडीआर स्ट्रेन को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से डायग्नोस करते हैं। तो इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे है, ओके, ल्यूसीफरेज ऐसे है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, और ससेप्टेबिलिटी एंड मॉलिक्यूलर टेस्ट होती है एमडीआर का पता चलाने के लिए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। डिस्क्राइब द कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ती है। तो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम इधर आ जाते हैं। इसकी जो ग्रोथ होती है काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, डबलिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा, यानी आपको 2 महीनों का वेट करना पड़ता है इसकी ग्रोथ अचीव करने के लिए। इसका डबलिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी काफ़ी देर के बाद एक माइकोबैक्टीरिया 2 माइकोबैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है, ओके, ठीक हो गया। तो स्लो ग्रोथ होती है, ऑब्लिगेट एरोब होता है, इसको हम ग्राम स्टेनिंग से देख नहीं सकते। इसकी जो ग्रोथ होती है वो लोवेंस्टन जेंसन मीडियम के ऊपर होती है, क्यों? क्योंकि लोवेंस्टन जेंसन मीडियम के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन सिर्फ इसी की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, कैटलाइज की प्रोडक्शन करता है, रेजिस्टेंट टू एसिड एंड अल्कलीज है। तो इसकी कल्चरल प्रॉपर्टीज होती है। अगर आप टेस्ट में आते हो तो फिर वहाँ पर आपको नजर आएगा लोवेंस्टन जेंसन एगर है, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ इस मीडियम में होती है, और बैक्टेक मीडियम है। बैक्टेक मीडियम ऐसा मीडियम है जो रेडियो एक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करेगा, स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर उसको वियोलाइज कर लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पूरा सिनेरियो दिया गया है, नाइट स्वेट है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया मलेस है, ओके। तो ये सारा जो सिनेरियो है टीबी के बारे में है। कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? कॉजेटिव एजेंट आपको बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसकी दूसरी टाइप्स बताओ, तो जो माइकोबैक्टीरिया होती है टिपिकल और एटिपिकल, टिपिकल में 3 आते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई और माइकोबैक्टीरियम बोविस। एटिपिकल के अंदर 4 कैटेगरी क्या जाते हैं, ठीक है, जैसे एक होता है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, या आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इनुमरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल। तो माइकोबैक्टीरियम के सेल वॉल में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? माइकोलिक एसिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेटाइट होता है, और वैक्स डी होता है। वैक्स डी इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देगा, सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल रिस्पॉन्स दोनों को बढ़ा देगा। फॉस्फेटाइट फेगोसाइटोस माइकोबैक्टीरिया की सर्वाइवल को बढ़ा देता है। माइकोलिक एसिड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, एसिड फास्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैक्रोफेज के अंदर ग्रोथ प्रमोट करवा देता है। तो ये इसके 4 कंपोनेंट और इनके फंक्शन भी बता दिया है, जो कि सेल वॉल क्या होते हैं। आगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का पूछ रहा है। जो एमडीआर होते हैं, एमडीआर का मतलब है कि ऐसा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो कि आइसोनियाजोइड रिफेम्पिन से रेजिस्टेंट होता है, तो उसको बोलते हैं एमडीआर। और जो एक्सटेंडेड होता है वो आईआर से, यानी आइसोनियाजोइड से, और रिफेम्पिन के अलावा फ्लोरोक्विनोलोन और इसके साथ साथ सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग में किसी एक से रेजिस्टेंट हो, तब इसको एक्सडीआर बोलते हैं, एक्सटेंडेड ड्रग तो रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ठीक हो गया, ओके। तो ये एमडीआर आपको मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस द 2 टाइप ऑफ लीगन कॉज्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म। अभी पूरा जो सिनेरियो लिखा हुआ है, रस्टी कलर्स, प्यूटम है, लो ग्रेड फीवर है, तो ये किसकी बता रहे हैं?
ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो इनिशियल लीजन होती है वो गॉन फोकस होती है लोअर लोब के अंदर, जिसकी हीलिंग हो सकती है फिब्रोसिस से, या कोई प्रोग्रेसिव डिजीज हो सकता है, बैक्टीरिमिया हो सकता है, मिलेरी टीबी हो सकता है, यह हेमाटोजिनस सेपरेट हो सकता है। ओके ठीक है। अब जो इसकी दो टाइप की लीजन होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर एक्जुडेटिव लीजन होती है, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ग्रैनुलोमेटस लीजन होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो एक्जुडेटिव लीजन होती है वो इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। जो ग्रैनुलोमेटस लीजन होती है उसमें सेंट्रल केजियस नेक्रोसिस है, उसको सराउंड करने वाले एपिथेलियल सेल होते हैं, उसको सराउंड करने वाले लैंगरहंस सेल होते हैं, और उसको सराउंड करने वाले फाइब्रोब्लास्ट और लिम्फोसाइट्स होते हैं। ओके, ये आपने इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। बाकी इसके बाद सेपरेट ऑफ ऑर्गेनिज्म कभी कभी एक बार पूछ लेते हैं कि ट्यूबरकल बैसिलाई के जरिए सेपरेट हो सकता है या ब्लड स्ट्रीम के जरिए। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकल बैसिलाई वो अपने केजीएस कंटेंट को ब्रोंकाई में कर देगा, ब्रोंकाई रिट्रोग्रेड पाथवे से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर यानी फैरिंक्स के पास चला जाएगा। फिर आगे दो कंडीशन है, या तो अगर हम उसको थूक देंगे तो बाहर इन्वायरमेंट में आ जाएगा, किसी दूसरे बंदे को लग जाएगा, या फिर अगर हम उसको निकल लेंगे तो उसी सेम बंदे को हो सकता है। ब्लड स्ट्रीम के जरिए डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन तक फैल जाएगा, लेकिन ये जब होगा जब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी फेल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द एमडीआर स्ट्रेन? तो ऐसी स्ट्रेन होती है जो आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिन से रेजिस्टेंट होती है। इसको डायग्नोस करने के लिए पीपीडी टेस्ट टू डायग्नोसिस होता है। डायग्नोस करने के लिए आईजीआर है, इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे है, ल्यूसिफरेज ऐसे है, और ससेप्टिबिलिटी और मॉलिक्यूलर टेस्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है एमडीआर की डायग्नोसिस के लिए। ओके, इतना बड़ा सिनेरियो लिखा हुआ है, लेकिन अगर हाइपोपिगमेंटेड पैचेस मिल जाए और अल्नर नर्व की थिकनिंग हो तो उसका मतलब क्या है? ये लेप्रोसी है। और लेबॉरेटरी मेथड पूछे गया माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के, तो जो डायग्नोसिस होती है क्लिनिकल साइंस सिम्टम पे हो जाती है, लेकिन सबसे पहले हम स्पेसिमेन लेके स्किन से या नेजल स्क्रैपिंग से फिर हम उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। इसकी भी जीएन स्टेनिंग करते हैं, तो जीएन स्टेनिंग के अंदर आपको फॉर्म सेल देखने को मिलते हैं, लिपिड लेडन मैक्रोफेजिस है जिसके अंदर एएफबी होता है। सीरोलॉजी के अंदर आपको आईजीएम एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली लेप्रोमेटस के केस में, और पीसीआर टेस्ट वगैरह करते होते हैं। एग्जाम में कभी कभार ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी और लेप्रोमेटस लेप्रोसी में फर्क आ जाता है। ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी को पॉसी बैसिलरी और लेप्रोमेटस लेप्रोसी को मल्टी बैसिलरी कहते हैं। इसको याद किस तरह से करना है कि ट्यूबरक्लोइड लेप्रोसी के अंदर सिर्फ एक पॉइंट को याद रख लो, बाकी खुद ब खुद हो जाएंगे। जो ट्यूबरक्लोइड के अंदर सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स प्रेजेंट होता है, इसमें एबसेंट होता है। अब होगा क्या, जब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट है तो लेप्रोमिन स्किन टेस्ट पे पॉजिटिव आएगा, और दूसरी तरफ से जब ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स प्रेजेंट है तो एएफपी का तादाद भी नंबर कम होगा। जब एएफपी का नंबर कम होगा तो वो ट्रांसमिट भी कम से कम करेंगे, जब ट्रांसमिट भी कम से कम करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर एएफपी कम है तो लीयंस रिलेटिवली कम होती है, 1 to 5 लीयन होती है, एक नर्व ट्रंक को इन्वॉल्व करेंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अभी पूरा सिनेरियो पल्मोनरी टीबी के बारे में बता गया है, तो ट्यूबरक्लोइन स्किन टेस्ट की टेक्निक और इंटरप्रिटेशन है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेम ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया, इसको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता देता हूँ ए टिपिकल कौन कौन से होते हैं माइकोबैक्टीरिया अदर देन ट्यूबरक्लोसिस। ठीक हो गया, ए टिपिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर करती है, दो में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू रन यूएन क्लासिफिकेशन। एक होती है स्लो ग्रोथ और फिर रैपिड ग्रोथ, स्लो ग्रोथ वाले को मतलब 3 में डिवाइड कर देते हैं, टोटल 4 ग्रुप बनते हैं। फिर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है, जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यानी आप किस कल्चर में इसको ग्रो करना चाहिए, तो कल्चर कौन सा यूज़ करते हैं? लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम और बैक्टेक मीडियम यूज़ करते हैं आपकी ग्रोथ करवाने के लिए। ओके, और आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो ग्रोथ रेट है काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है, यानी इसका जो डबलिंग टाइम है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, स्लो ग्रोथ होता है, स्लो ग्रोथ होता है इसका, डबलिंग टाइम 18 घंटे होता है और इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। डैट इज़ वाई कल्चर को 6 से लेकर 8 हफ्ते तक रखना पड़ता है। जो माइकोबैक्टीरियम है उसको बैक्टीरियोलॉजिकल बैक्टिक मीडियम में कल्चर करते हैं, और जो मीडियम इसकी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम है। इसमें दो चीज़ें होती है, न्यूट्रिएंट और डाइस। जो न्यूट्रिएंट होती है एग योक है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और डाइस में मेलाचार्ड ग्रीन होती है, और मेलाचार्ड ग्रीन अनवांटेड नॉर्मल फ्लोरा की ग्रोथ को सप्रेस कर देती है। तो ये आपको मैंने बता दिया कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटिपिकल भी हो गया, पैथोजेनेसिस एंड द पॉसिबल आउटकम ऑफ इन्फेक्शन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। तो पैथोजेनेसिस क्या होती है? इसका विरोलेंस फैक्टर कॉड फैक्टर होता है, जिसको ट्री हेलोस डाइमाइकोलेट कहते हैं। कोई एक्सोटॉक्सिन कोई एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म सबसे पहले मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करेगा और रेटिकुलम एंडोथेलियल सेल को, फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फेगोसोम के अंदर सर्वाइव करेगा मैक्रोफेजेस के अंदर। अब सर्वाइव करने के लिए दो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, एक प्रोटीन का नाम है एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन। जो एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन होती है ये करती क्या है, एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन करती क्या है, ये वो प्रोटीन है जो कि गामा इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन को कम कर देती है। ओके सॉरी, एक्सपोर्टेड ये काम नहीं करती,
जो एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन है ये फेगोसोम को लाइसोसोम के साथ फ्यूज नहीं करने देती, आउटोफेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन को मिनिमाइज कर देती है। डैट इज वाई जो मैक्रोफेज के अंदर जो माइकोबैक्टीरिया है वो आसानी से सर्वाइव कर सकता है। ओके, तो ये एक्सपोर्टेड रेपिटेटिव प्रोटीन का फंक्शन होता है। इसके अलावा दो और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, एक है TNT जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोटिक नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन है, ये वो टॉक्सिन है जो NAD को क्लीव कर देगा, मैक्रोफेजेस की डेथ हो जाती है। इसके साथ ये अर्ली सिक्रेटेड एंटीजन 6 प्रोड्यूस करता है, ESAT6, जो कि क्या करेगा, गैमा इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, पैथोजेनेसिस एंड पॉसिबल आउटकम है। तो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है? ओके, ये तो सेपरेट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो आउटकम क्या हो सकती है, यानी इसके चार आउटकम्स होती है मेनली, कि या तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है और फिर फिब्रोसिस से हील हो सकता है, या फिर वो प्रोग्रेसिव लंग डिजीज करवा सकता है, या फिर वो बैक्टीरिया करवा सकता है, या मिलेरी ट्यूबरक्लोसिस करवा सकता है, या हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन से आगे फैल सकता होता है डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन में, या फिर दोबारा से रिएक्टिवेट हो सकता है। तो ये इसके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, और आउटकम को तैयार करने के लिए आप यहाँ पे भी आ सकते हो, इसको भी तैयार कर सकते हो इस डायग्राम को, कि बाय हीलिंग बाय फिब्रोसिस है, प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है, सीवियर बैक्टीरिमिया है जिसकी वजह से मिलेरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, और लिम्फोजेनस और हेमाटोजेनस डिसेमिनेशन है जिसकी वजह से ये लेटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू टेस्ट यूज टू डायग्नोज द लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोज करने के लिए दो टेस्ट के नाम बताओ। तो दो टेस्ट का आपको यहाँ से बता देता हूँ फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट टीबी है। तो ये वाला आ जाएगा। तो पहला बात, एक जो टेस्ट है वो PPD टेस्ट होता है। ओके, और जो दूसरा होता है ये लिखा हुआ लेटेंट टीबी है, PPD टेस्ट है, और दूसरा होता है इंटरफेरॉन गामा रिलीज SA IGRA है। तो ये लेटेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जिनको सिम्प्टोमैटिक अटैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, तो दो टाइप के लियन बताओ ऑर्गेनिज्म की। कौन सा ऑर्गेनिज्म है, फीवर है, वेट लॉस है, तो रस्टिकुलर स्पुटम है, तो मोस्ट प्रोबेबली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। तो एक्सुडेटिव लियन है और ग्रैनुलोमेटस लियन है। एक्सुडेटिव लियन क्रॉनिक एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, ग्रैनुलोमेटस लियन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वट आर द डिफरेंट लैब इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल फॉर कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस। तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सैंपल ले गए, फिर इसके बाद स्टेनिंग करते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया, फिर हम क्या करते हैं, स्टेनिंग दो टाइप की होती है, ZN स्टेनिंग और ओरामिन स्टेनिंग होती है। ओरामिन स्टेनिंग के केस में फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, LJ मीडियम है और डैक्टेक मीडियम है ग्रोथ करवाने के लिए, फिर इसके जो MDR होती है इनको डायग्नोस करने के लिए कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह यूज़ कर लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद है, ब्रीफली डिस्क्राइब द क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गन इन्वॉल्व इन दिस। अब ये पूरा सिनेरियो दिया हुआ टीबी में, तो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गन है, यानी हर ऑर्गन के ऊपर क्या क्लिनिकल फाइंडिंग नजर आएगी। तो पहला आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, जो सब में सिमिलर होते हैं, फीवर है, फटीग है, नाइट स्वेट होते हैं, वेट लॉस है। पल्मोनरी टीबी के केस में काफी रस्टिकुलर स्प्यूटम होता है, हेमोप्टेसिस होती है, GIT ट्यूबरक्लोसिस में एब्डोमिनल पेन है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, हेमरेज वगैरह हो सकता है। ओरोफेरिंजियल के केस में पेनलेस अल्सर, लिम्फेडिनोपैथी है या एडिनोपैथी है। रीनल ट्यूबरक्लोसिस में स्टीराइल पायूरिया है, यूरिन में WBCs आना शुरू हो जाते हैं। अदर केस में मिलेरी टूबी ट्यूबरक्लोसिस, मेनिनजाइटिस, एरिथेमा नोडोसम, और अगर वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करेगा तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस कहेगी, जिसको सिंपल हम पोर्ट डिजीज भी कह देते हैं। ओके, लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट फॉर द डायग्नोसिस है, तो बता चुका हूँ, इन द टैबलेटेड फॉर्म कंपेयर ट्यूबरक्लोइड फ्रॉम लेप्रोमेटस। तो ये भी आपको बता चुका हूँ, टाइप ऑफ लिगेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नर्व ट्रंक होता है, नंबर ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं, चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है, लेप्रोमिन स्किन टेस्ट होता है, और इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन होती है। लाइक गैमा होता है वो ट्यूबरक्लोइड में, जबकि बीटा होता है वो क्या होता है, लेप्रोमेटस या मल्टी बेसिलरी के अंदर प्रोड्यूस होता है। डिफाइंड MDR और XDR। तो MDR में आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिन, और XDR में आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिन, फ्लोरोक्विनोलोन, और इसके अलावा कोई ना कोई सेकंड लाइन ड्रग्स आनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर, कि वो कौन से फीचर्स होते हैं जो उसको एसिड फास्ट बना देते हैं। तो वो माइकोलिक एसिड है जो उसको एसिड फास्ट बना देता है। इसके अलावा दो टाइप के लियन कौन से प्रोड्यूस करता है, एक्यूट के अंदर एक्सुडेटिव और क्रॉनिक के अंदर ग्रैनुलोमेटस। एंड डिफाइन MDR और XDR। तो MDR में आइसोनियाज़िड रिफैम्पिन है, जबकि XDR में आइसोनियाज़िड रिफैम्पिन, फ्लोरोक्विनोलोन और सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग में किसी एक के खिलाफ भी रेजिस्टेंस आ जाए तब हम इसको XDR बोलते हैं। तो हमने माइकोबैक्टीरियम के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।